ओके ठीक है. नाउ आई थिंक आई हैड कंप्लीट द टॉपिक लिविंग इन ग्रुप्स. हाउ अर्ली मैन लर्न टू लिव इन द ग्रुप. हाउ ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस टू लिव इन द ग्रुप. उसको कैसी इम्पोर्टेंस पता चली कि हमें ग्रुप में क्यों रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और धीरे धीरे क्या सिचुएशंस उसके सामने आई. हाउ ही फेस डिफरेंट सिचुएशन. ही फेस डिफरेंट सिचुएशन देन ही रियलाइज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग इन ग्रुप्स. क्लियर? Now we I start the customs and beliefs. The customs and beliefs, not much is known about the custom and beliefs of these time. There is not much data available which would point to their religious beliefs. Since they feared and fury the nature, perhaps they worshipped them, but the correct answer to these questions await further discoveries, research, and excavations by archaeologists. ठीक है, excavation मतलब to find out by digging. Excavation मतलब जो खुदाई करके हमें digging में जो मिलता है, कुछ कोई भी चीज मिलती है, that process is called excavation. जो किसको किसने करा? Archaeologists ने. We don't know much about the customs, about the religious beliefs, about their traditions, what they carry on. वो किस तरीके के tradition, their culture और वो religious beliefs करते थे, हमें उनके बारे में ज्यादा नहीं पता है. We don't know so much enough about that. But just some of the things after the research, after the discoveries, after excavation by the archaeologists, जो भी archaeologists ने किए हैं, digging के through जो भी चीजें मिली हैं, जो objects मिले हैं, and research के through, discoveries के through, we know just about little to that particular time, what kind of beliefs they practices, what kind of custom they practices. Just think about that. At that time, there was no Hindu, Muslim, Sikh, Isai, these kind of religion. Just because they feared the fury of nature. The feared fury of nature means जो nature में जो जैसे बिजली आना, thunderstorms होना, extreme बारिश आना, drought आना, these kind of things. ये उनसे डरते होंगे. Extreme cold या बहुत ज़्यादा गर्मी होना, या अगर the importance of the trees, इम्पोर्टेंस ऑफ द वॉटर, तो वो लोग उन्हीं की ही पूजा करते थे, उन्हीं कहीं के लिए. तभी तो हमारे यहाँ आपने आपने देखा होगा, हमारे जो रिलीजियस बिलीव होते हैं उसमें भी नेचर की पूजा हम करते हैं. ये जो हमारे रिलीजियस बिलीव होते हैं ना, ये हमारे जो धर्म है, हमारा जो रिलीजियस बिलीव है, उसमें भी आप देखिए कि हम किसकी, हम सन की भी पूजा करते हैं, हम वॉटर की पूजा करते हैं, हम पानी को एक एक इम्पोर्टेंट थिंग के लिए जरा लेते हैं, और एयर की भी करते हैं. हमारे हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं कि वी शुड क्लीन दैट, जस्ट बिकॉज कि हम वो रिलीजियस बिलीव्स भी इसी तरीके से डेवलप हुए जो कि एक्सपीरियंस किए हमारे जो फोर फादर्स थे, उनके भी जो फोर फादर्स थे, एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर बिफोर जो भी अर्ली मैन हुए, दे बिलीव, उन्होंने प्रैक्टिकली वो चीज फेस करी. जब भी बिजली कड़कती होगी, थंडर स्टॉर्म्स होते होंगे, वो डर जाते होंगे. उनको तब तक डिस्कवरी, साइंटिफिक ये चीजें नहीं की, तो उनको वो नेचुरल चीजें है उसकी डर. और हाँ, डर भी है आज भी. अगर नेचुरल जो एक्टिविटीज हैं वो एक्सट्रीम लेवल पर होती है तो डिजास्टर बनती है, एंड दीज एक्टिविटीज डैमेज द ह्यूमन लाइफ ऑल्सो. तो वी वर्शिप, तो वी शुड वर्शिप आर ट्रीज, वी शुड वर्शिप आर नेचुरल थिंग्स लाइक वाटर, एयर, ट्रीज. तो हमारे, आप देखो, हमारी जो रिलीजियस बिलीव होते हैं हमारे, आपके, उनमें कहीं ना कहीं वो नेचर पे डिपेंडेंट है. हमारे हमारी बहुत सारे कस्टम, आपके यहाँ, हमारे यहाँ देखिए, अभी अभी कुछ लोगों के यहाँ पूजा हुई होगी, बर्ड की पूजा. ऐसे सुना होगा ना आपकी कुछ के फैमिलीज में, उसमें जो बर्ड का एक ट्री होता है, ट्री होता है, वी वर्शिप दैट पर्टिकुलर ट्री. तो
हमारी जो रिलीजियस कस्टम है वो भी इसी तरीके से डेवलप्ड हुई. दैट इज ऑल्सो द हिस्टोरिकल क्लूज कि हमारे किस तरीके से हमारे रिलीजियस बिलीव्स भी अर्ली मेन्स कस्टम्स एंड बिलीव से जुड़े हुए हैं. तो दीज पीपल्स दे फियर द फ्यूरी ऑफ द नेचर, दैट्स व्हाई दे वर्शिप देम. वो उनकी पूजा करते थे एंड दे रिस्पेक्ट. ठीक है, आज भी आप देखिए बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, दे वर्शिप द एनिमल्स, दे वर्शिप द ट्रीज, दे वर्शिप द फ्री फॉरेस्ट. दैट्स व्हाई, ये रीजन है उसका. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, आर्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन. Prehistoric human की क्या आर्ट थी? Many rock paintings have been found in the caves and rock shelters where people of this age resided. These paintings and engraving exhibit with animals, birds, human figures, hunting scenes and the geometric designs. ऐसी बहुत सारी एविडेंस मिली है जो डिस्कवरीज के बाद मिली, रिसर्च के बाद मिली हिस्टोरिकल ह्यूमंस ने कि रॉक्स पेंटिंग की है. दे फाउंड इन द केव्स एंड द रॉक शेल्टर्स. क्योंकि वो लोग कहाँ रहते थे? जहाँ पर भी थोड़ी केव्स होती थी, रॉक शेल्टर्स होते थे, वो लोग वहीं रहते थे. दे डोंट नो हाउ टू बिल्ड अ हट्स, हाउ टू बिल्ड द हाउसेस, हाउ टू बिल्ड द सोसाइटीज. तब उनको नहीं आता था. जहां पर भी थोड़ा शेल्टर मिलता था वो बारिश से, धूप से बचने के लिए, बहुत ज्यादा ठंड से बचने के लिए, दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन दैट दीज एरिया एंड दे यूज, दैट्स व्हाई दे यूज पेंटिंग्स इन दैट पर्टिकुलर एरियाज. केव्स हैं, रॉक्स शेल्टर्स हैं, वेयर पीपल ऑफ दिस एज रिसाइड्स, जहां रिसाइडेड, वो जहां पर रहते थे. एंड विच काइंड ऑफ थिंग्स आर्कियोलॉजिस्ट एंड विच काइंड ऑफ द हिस्टोरियंस फाउंड? The paintings and the engraving exhibits. Yeah, engraving मतलब जो खुदा खोद खरोच करके, खोद करके किसी किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से रॉक के ऊपर या तो पेंटिंग की है या फिर शार्प ऑब्जेक्ट से उसको उसको फ्लक्टिंग करके उसको शेप दी गई है. तो क्या है, या तो फिर एनिमल्स होते थे, बर्ड्स होते थे, ह्यूमन फिगर्स, हंटिंग सीन्स ऑल्सो, हंटिंग सीन्स भी वहाँ क्या paintings and engraving material ke through mile and geometrical designs also, geometrical designs bhi hote the. So the art of prehistoric human, the art, okay, there is a case study of Bhimbetka jo ki wahan par bahut sare sites hain. It is the very rich for knowing about the prehistoric human. इट इज इन मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में है. बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साइट्स वहां पर हमें देखने को मिलते हैं. ऑल्दो देयर आर ओवर 150 साइट्स वेयर स्टोन एज रॉक पेंटिंग आर फाउंड. भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट स्पेक्टेकुलर अमंग देम. दिस थिकली फॉरेस्टेड एरिया इज होम टू मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. Even today, जो ये एरिया हमने एरिया बताया वो कहाँ है? भीमबेटका साइड है कहाँ? That is in मध्य प्रदेश. यहाँ पर more than 150 sites हैं जो हम देख सकते हैं, देखने को मिलती हैं. And that belong to the Stone Age rock painting, जहाँ पर Stone Age के time की rock paintings बनी हैं. तो अभी किसी ने मुझसे कल पूछा था, student asked me कि मैम हमें पता कैसे चलता था कि अर्ली मैन थे या क्या थे. देखो उन लोगों के स्केलेटन्स मिले आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी डिगिंग के थ्रू मिले, और इस तरीके की चीजें, दैट काइंड ऑफ साइड. अब स्टोन पे वो पेंटिंग कितनी पुरानी है, कितने हजार साल पुरानी है, कितना टाइम हो चुका है उसको, और वो स्टोन कितना पुराना है. जो कोई भी स्टोन होता है उसकी भी एक लाइफ होती है. तो इससे हमें पता चला कि स्टोन एज के टाइम की पेंटिंग है, और पेंटिंग बनाने का स्टाइल भी, जब उस टाइम में लोग इतनी परफेक्टली पेंटिंग, जैसे आज के इतना ज्यादा, तो 3D पेंटिंग भी बनने लगी है. तो धीरे 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 तो ये स्लोली ग्रेजुअली जो ये डेवलपमेंट आता है. बट एंड दैट पर्टिकुलर टाइम उस इस तरीके ही, दीज आर द एविडेंस वी कैन नो अबाउट द अर्ली मैन. एंड आज भी स्टिल नाउ इन MP
there are very thickly forest and there is the habitat of many plants. There's the natural habitat of many plants and animals, even today also. It definitely seems to have been a good habitat for people in those times because of cave shelter, water flowing from cliff tops in streams and rocks, which can be used for making tools. There was plenty of food for them to eat here. The caves look like some modern art gallery from the side. Most of these paintings are 10,000 years old. They depict boars, tigers. So ye jo paintings yahan par hai, the natural hai wo badi hi good achhi habitat hongi. Good habitat matlab rehne ki jagah us time ke stone age man ke liye, stone age human ke liye. Just because it gives shelter. Wahan par caves shelters hai, gives protect the early man from adverse conditions से उसे बचाती थी, वहाँ shelter provide करती थी, वहाँ पर पानी के झरने भी हैं, streams भी हैं पतली पतली, which provide them lots of water for drinking, and these stones provide them stone also for making the stone tools, and plenty of food also for eat. So अब अर्ली मैन को क्या रियलाइज हुआ, वहां पर उसको इम्प्लीमेंट्स वो टूल्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं वहां के स्टोन्स के थ्रू, शेल्टर भी प्रोवाइड हो रही थी, पानी भी प्रोवाइड हो रहा था, वाटर भी फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस एंड फूड आल्सो, क्योंकि जहाँ पानी होगा जहाँ पर वहाँ की आसपास की फर्टाइल लैंड भी होगी, जहाँ वहाँ पर ग्रीनरी भी होगी तो फूड भी प्रोवाइड हो रहा था, इवन टू एनिमल्स का शेल्टर है तो एनिमल्स भी उनको इंटीक के पर्पस से प्रोवाइड हो रहे थे, ठीक है, और केव्स थी वहाँ, तो दैट्स मीन द स्टोन फॉर ही कैन यूज स्टोन फॉर मेकिंग द टूल्स, ठीक है. तो आज भी अगर वहाँ पर हम घूमने जाते हैं भीमबेटका एमपी में, तो देयर आर लॉट्स ऑफ पेंटिंग देयर, एंड बाय रिसर्च डूइंग द रिसर्च वी कैन फाइंड दैट दीज पेंटिंग्स आर 10,000 ईयर्स ओल्ड. वो 10,000 साल से भी पुरानी है, 10,000 साल से भी पुरानी. और उन पेंटिंग्स में क्या बना है, जैसे बोर्स बने हैं, टाइगर्स, एलिफेंट, लेपर्ड, डियर, पैंथर्स, एंटेलोप्स, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड्स, स्क्वायरल्स, बर्ड, यानी कि सारे एनिमल्स तब ही थे, एंड उनकी फिगर मेनली फिगर को देख करके, अभी जो आर्टिस्टिक दिमाग तो तब भी होगा ना, कि जो भी वो अपने अकॉर्डिंग वो ड्रॉ कर पाते होंगे उनको देख करके, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं दे फाउंड दीस फिगर्स ऑन दैट पर्टिकुलर वॉल. सम आर हंटिंग सीन्स व्हाइल इन सम सीन्स एनिमल्स आर चेजिंग मैन, ठीक है. देखो वहां पर दोनों इंटरेस्टिंग है ना, वहां दोनों ही तरीके के सीन है. कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जहां पर मैन एनिमल की हंटिंग कर रहा है, और कुछ सीन ऐसे भी हैं बनाए हैं वहां पर अर्ली मैन ने कि जहाँ पर एनिमल्स मैन को चेज कर रहे हैं. भाई एनिमल्स भी तो मैन को खाने के लिए पकड़ने के लिए दौड़ते होंगे, है ना, फॉर हंटिंग ऑल्सो. तो बोथ द सीन्स आर इनग्रेव और पेंटेड देयर. ह्यूमंस आर शोन इन मैजेस्टिक फिगर्स कैरिंग स्पीयर, बोज, arrows and slings. Some paintings show children playing and jumping. Some other painting scenes have people gathering fruits from trees. एक मतलब एक जो human figure बनाई हुई है, एक इतना आप इतनी clarify figure नहीं है, इतनी बिल्कुल clear figure नहीं है, जैसे कि एक figures, majestic figures, matchstick मतलब कि एक स्टिक की शेप करके एनिमल फिगर दे दी, जैसे कि आज हम आप बस आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ एनिमल्स वो सॉरी ह्यूमन बीइंग की फिगर है. उसके दो हाथ ऊपर मैजेस्टिक्स की कर से के उस शेप में किए गए, एक लॉन्ग मैजेस्टिक बनाई मैजेस्टिक रखी जाए, दो इधर उधर लेफ्ट राइट हैंड बना दिए, टू
लेफ्ट राइट लेग्स बना दिए, तो द मैजेस्टिक फिगर कहते हैं उसको उसको। और उसे ये भी दिखाया कि उसके हाथ में ही वो कैरिंग द स्पीयर, बोज, एरोस, स्लिंग्स, डिफरेंट चीजें पड़ी हैं, एंड दीस सम काइंड ऑफ पेंटिंग्स आर दैट शोज दैट चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड जंपिंग, सम पेंटिंग शोज दैट पीपल आर गैदरिंग द फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज, दीस काइंड ऑफ पेंटिंग्स। ये हमने सबने भीम बेतका की स्टडी देखी कि वहां 150 साइट से भी ऊपर साइट्स हैं, एंड देवर दैट पर्टिकुलर एरिया सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, थिकली डेंसली डेंस फॉरेस्ट है, एंड दैट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। वहां जो वो व्हाई ह्यूमन बीइंग शेल्टर्ड देयर, जस्ट बिकॉज इट प्रोवाइड शेल्टर, वाटर, टूल्स एंड फूड ऑल्सो। It was 10,000 year old, more than that is the modern art gallery जैसी लगती है, जो कि 10,000 साल से भी पुरानी है। Different painting called it, different animals, majestic figure of humans, which carrying the spear, bows, arrows and slings in her hand, and some paintings are showing that children are playing and jumping. Some other painting scenes have pupil gathered fruits from the ट्री। ठीक है, वन मोर केस स्टडी, डिस्कवरी ऑफ फायर। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि कैसे इंसान ने, कैसे ह्यूमन बीइंग ने फायर की डिस्कवरी की होती है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट वाज आस्किंग मी टू डेज बिफोर कि मैम टुडेज रॉक और कैन प्रोवाइड फायर ऑल्सो, कि आज भी अगर हम रॉक्स को आपस में रब करें तो भी हम फायर मिल जाएगी। यस, बट अभी भी होगा, रॉक्स तो है ही ना वो, इट हैज द सेम काइंड ऑफ क्वालिटी नाउ, अभी भी ऐसा ही होगा, बट हम लोग ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं अभी और उस टाइम। और ये बड़ी एकदम इजीली चीज नहीं है टू अगेन द फायर फ्रॉम लाइक दैट। रिमेनिंग ऑफ एश एट सम पैलिथिक साइट्स लाइक those at Kurnool in Andhra Pradesh led to the belief that fire was known to the Paleolithic man. सबसे पहले तो ash digging के through एक layer उसकी soil में ऐसी भी मिली होगी जहाँ पर ash होगा, राख होगा। वो कहाँ मिली है? आंध्र प्रदेश के Kurnool area में मिली है, and it is the belief that अब राख मिली है, राख तो कैसे आएगी, ऐश तो कैसे, आग के बाद ही तो कन्वर्ट होगी वो, है ना, जब कहीं पर आग लगेगी, फायर होगी, then the object which, या फिर वो ग्रास हो या फिर वो वुड हो, तब वो ऐश में कन्वर्ट होगी। इट्स मीन द पैलिथिकल मैन वॉज यूज द फायर, पॉसिबली मैन फर्स्ट सॉ नेचुरल फायर लाइक लाइटनिंग स्ट्राइकिंग अ ट्री और फॉरेस्ट फायर, बट he did not know how to create a fire on his own. It's very correct. उसने फायर देखी तो होगी, जब आकाश जो आसमान में बिजली कड़कते हुए देखा होगा उसने, the lightning striking a tree. और कभी वो बिजली, जैसे हम देखते हैं, अब सुनते हैं ना न्यूज में कि बिजली गिरने से इतने लोग मर गए हैं, बिजली, तो वो बिजली गिरने से अगर फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट थे उस टाइम में, तो किसी पेड़ पर गिरी उसने, मान लीजिए आग लग गई, तो उसने ऐसी फायर देखी, ठीक है, बट ही डोंट नो हाउ टू क्रिएट अ फायर, बट उसको उस फायर की इम्पोर्टेंस भी नहीं पता थी, बस उसके लिए एक फियर था वो, तो देन ना ही उसको ये पता था कि फायर से मैं क्या कर सकता हूँ और कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। सो ही मस्ट हैव किप्ट अ पार्ट ऑफ दैट फायर सेफ केयरफुली। अब कभी कभी उसको ऐसा भी लगा होगा, जैसे किसी एरिया में फायर लगे, किसी लिमिटेड एरिया में, और वहां पर एनिमल्स नहीं आते, तो उसको ऐसा लगा कि भाई फायर के पास एनिमल्स नहीं आते, इन्हें की डेंजर कम है। टेकिंग टर्न इन द ग्रुप इट कीप टू कीप इट बर्निंग कंटिन्यूसली, उसको पता चला कि भाई ये कुछ आग हमारे लिए फेवरेबल है। इन द मीन फुल ही रियलाइज दैट ही कुड यूज फायर फॉर मेनी पर्पसेस लाइक कीपिंग हिमसेल्फ वार्म इन कोल्ड वेदर। सबसे पहले तो बहुत ठंड में अगर कभी आग लग जाती होगी तो उसको फील हुआ होगा कि अगर आग के आसपास का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, वार्म हो गया है। देन ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फायर, कि अगर जहाँ फायर है तो ही रियलाइज
कि दैट वी कैन वार्म आवरसेल्फ इन कोल्ड वेदर एंड लाइटनिंग अप हिज डार्क केव. अब उसको ये भी रियलाइज हुआ कि उससे रोशनी भी होती है फायर से, कि जब अंधेरा है वो कुछ देख नहीं पा रहा है, ही कैन लाइटनिंग अप द डार्क केव एंड फाइटिंग अवे वाइल्ड एनिमल्स जस्ट बिकॉज वाइल्ड एनिमल्स फियर्ड ऑफ फायर. वो आग से डरते हैं, तो उसको पता चल गया कि मैं फायर के थ्रू जंगली जानवरों से भी डर लड़ सकता हूँ और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ. ग्रेजुअली ही लर्न दैट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स टेस्टेड बेटर व्हेन रोस्टेड इन फायर. उसको धीरे धीरे ये भी पता चला जब वो ऐसी जानवर एनिमल्स को ऐसी मार के खा जाता था, तो उसको ये मालूम पड़ा कि अरे भाई अगर हम इसको नहीं मार, अगर उसको पका के खाते हैं तो ज्यादा टेस्टी लगता है. ठीक है, अभी तक उसको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं आती है, उसको सिर्फ फल तोड़कर खाना आता है या फिर जानवरों को मार कर आना. कि जानवर क्योंकि वो खाना बदोश होते थे, वो सिविलाइज्ड नहीं थे ना, इसीलिए तो नॉनवेज ये जानवर खाते थे. देन ही रियलाइज द फ्लैश ऑफ एनिमल, जो एनिमल का फ्लैश है, इट बिकम मोर टेस्टी देन आफ्टर रोस्टिंग इट. इन कोर्स ऑफ टाइम ही मस्ट हैव क्रिएटेड फायर एक्सीडेंटली बाय रबिंग टू पीसेस ऑफ स्टोन और वुड टुगेदर. उसको धीरे धीरे पता चला कि कभी एक्सीडेंटली हुआ होगा किसी से, कि भाई दो पत्थर उसने आपस में, जैसे वो खेल रहा होगा या कोई भी ऐसी मजाक कर रहा होगा या फिर कुछ, या वो ये भी हो सकता है ना, वो अपने लिए कोई टूल बना रहा हो, टूल बनाते हुए उससे एक पत्थर से दो, जो हमने अभी टेक्निक्स देखी थी, स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक और फ्लैकिंग टेक्निक, तो प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक, तो उससे अब वो हो सकता है वो अपने लिए टूल बना रहा हो, उसने देखा उसमें तो चिंगारी निकली है, इसमें से फायर क्रिएट हुए, तो ये प्रोसीजर होगा उसको फायर को जानने का कि हाउ टू क्रिएट अ फायर. अब मैं आपको, आई एम गोइंग बैक टू द पॉइंट, हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग. ओके, नाउ आई एम नॉट स्टार्टिंग अनदर टॉपिक जस्ट बिकॉज द टाइम